रीवा में खाली पड़े प्लाटों में गंदगी का पानी भराव के कारण मच्छर से लेकर गंद कूड़ा कचरा डाला जाता है, जिससे कई बीमारियां हो रही है, जिस पर महापौर अजय मिश्रा के द्वारा चुटकी लेते हुए बीजेपी शासन के 25 साल के चिन्ह लगाए गए। साथ ही कहा गया कि उस समय बीजेपी के महापौर असुनियोजित विकास उनके द्वारा किया गया, जिसका उदाहरण यह है कि चारों तरफ गंदा है। महापौर के निर्देश के बाद खाली पड़े प्लाटों की सफाई, नालों की सफाई का काम तो शुरू कर दिया गया है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि पहले नालों की सफाई और खाली प्लाटों की प्लाटों पर जो गंदा कचरा पड़ा है उसे उनकी सफाई की जाएगी। अवैध प्लाटिंग के कारण, अवैध कॉलोनियों के कारण रीवा की ये दुर्गति हुई। ये 99 के बाद अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, उसका ये परिणाम हुआ कि लोगों ने खेत खरीदे और मिट्टी की रोड बनाई, अब बेच दिया। गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर आए, अपनी गांव की जमीन बेची और दो कमरे का मकान बना लिया। वहां पर ये स्थितियां हो गई कि वोट के लालच में कहीं सड़क बनी, कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं बिजली का खंभा गड़ा, कहीं नहीं गड़ा, मतलब कुल मिला के असुनियोजित विकास हुआ।